परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हर उपकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर बना रहता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर आपको जानते हैं उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहता है, और जो नहीं जानते उन पर भी बना रहता है। आप कोई चीज छांट कर नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु आपकी विशेष अनुग्रह की दृष्टि उन लोगों पर रहती है जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग बने हैं, जो कलीसिया का अंग है। आपकी विशेष अनुग्रह की दृष्टि उन पर होती है, क्योंकि वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए। इसलिए प्रभु आपका महान प्रेम और अनुग्रह कलीसिया में लोगों को प्राप्त होता है, और आपकी अद्भुत छुटकारे की सामर्थ्य कलीसिया के लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में और परिवार के सब सदस्यों के जीवन में काम करती है। यही तो आपकी महिमा है। सब बातों में आपको आदर देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए आपको अनुमति देते हैं कि आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, सब विश्वास करने वालों के भीतरी मनुष्यत्व को, सब कलीसिया के लोगों के भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाइए। हमें भीतर से नया बनाइए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य हो, और सारी महिमा आप। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से सब विश्वास करने वालों के सामने वचन के द्वारा अपनी बातों को, अपनी योजना को और अपनी सामर्थ्य के कामों को, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करना चाहता है और कर रहा है, उसे प्रकट कर रहा है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे याकूब के जीवन से, और वो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना जो याकूब के जीवन में प्रकट हुई थी एक स्वप्न के द्वारा। मेरे साथ निकाले जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 10 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा,
मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल का मतलब होता हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। पर उस नगर का नाम लूज था। हाँ, पहले लूज था, बाद में ये बेतेल हुआ। अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक स्वप्न में क्या हो रहा है। याकूब को अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद मिला है और उसे दो कारणों से अपने परिवार की मातृभूमि में भागने का निर्देश दिया गया है। सबसे पहले उसका बड़ा भाई एसाव उसका आशीर्वाद चुराने के कारण उसे मार डालना चाहता है। दूसरा, अपने ही लोगों के बीच एक पत्नी ढूंढना जो एसाव ने नहीं किया था। एसाव ने पत्नी मालूम कहां से ले आया था, उसने इश्माइल के वंश से विवाह कर लिया था उसकी लड़की से। और ये अपनी मातृभूमि में गया, जैसे इसहाक के लिए परमेश्वर ने उसने अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा था ना कि हमारे कुटुंबियों में से लेके आओ, वैसे ही ये अपनी लिए पत्नी लेने अपने रिश्तेदारों में गया। क्योंकि याकूब अपने परिवार की मातृभूमि की यात्रा कर रहा है, वो रात के लिए रुकता है। सोते समय याकूब को प्रभु से एक स्वप्न मिलता है जो उसके जीवन को बदल देता है। ये दिस ड्रीम इज द ड्रीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, उसके जीवन का परिवर्तन यहां से होता है। वो सीढ़ी या मीनार या सीढ़ी जैसी एक बड़ी संरचना देखता है जो पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचती है। इस सीढ़ी पर वो स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते देखता है। तब परमेश्वर की आवाज गूंजती है और जब वो याकूब से बात करता है, भले ही उसे अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो हुआ था, फिर भी उसे एक और अधिक महत्वपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसके पिता इसहाक ने उसको आशीर्वाद दिया था। कई बार लोग मालूम है हम सांसारिक जीवन में देखिए, वो सोचते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ हो गया। नहीं, माता पिता से का आशीर्वाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बच्चों को प्राप्त होता है, लेकिन उस आशीर्वाद के बाद उनके जीवन में परमेश्वर का भी आशीर्वाद। परमेश्वर के आशीर्वाद को ही अनॉइंटिंग बोलते हैं, अभिषेक बोलते हैं। जब परमेश्वर का आशीर्वाद आता है, अनॉइंटिंग आती है, तब वो व्यक्ति कुछ जीवन में कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हम सबके जीवन से पूरी होना आवश्यक है। भले ही उसे अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, फिर भी उसे एक और अधिक महत्वपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता थी, प्रभु का, परमेश्वर का। परमेश्वर वही वाचा बोलता है जो उसने इब्राहिम और इसहाक के साथ बनाई थी। अब याकूब से कहता है, परमेश्वर याकूब के वंशजों को एक महान राष्ट्र बनाएगा और उन्हें अब्राहम से वायदा किया गया देश देगा। ये लेकिन सीढ़ी क्यों, इस दर्शन में, इस स्वप्न में सीढ़ी है। ये सीढ़ी बाबुल की मीनार का विपरीत है। अब आपको पता चला, हम आज इसी स्वप्न को स्पिरिचुअली समझेंगे कि इसका अर्थ क्या था। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 1-9 पद तक पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते
शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना ले, ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए, टावर बनाए जी, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी प्रारंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के देखे, आओ हम, ये परमेश्वर किससे बोल रहा है, आओ हम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। जहां जहां परमेश्वर आओ हम बोल रहा है, उत्पत्ति में भी देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति से पहले उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। अब यहां परमेश्वर कह रहा है आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने यही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यानी ये संसार बट गया, यहां सब एक दल और एक भाषा कहते हैं, यहां से पूरा यहां पे बट गया। आज संसार में देखिए, अलग अलग भाषा वाले लोग, अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग यानी कल्चर वाले लोग पूरी पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ये काम परमेश्वर ने क्यों किया? सबसे पहले, जैसे हमने इसको पहले आपके साथ संडे में शेयर किया था, ये बाबुल की मीनार, दिस इज द रेवलेशन ऑफ मैन, मनुष्यों का प्रकाशन है ये। अब आप ये सीखिए कि प्रकाशन मनुष्यों के पास भी है और परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकाशन डिवाइन रेवलेशन है, और मनुष्यों को जो प्रकाशन मिलता है ये भी एक प्रकार का प्रकाशन है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। ये भी इसीलिए बहुत से लोगों को आप देखेंगे, उनके पास अपना स्वयं का प्रकाशन होता है, सेल्फ रेवलेशन। और यहां पर ये बाबुल की मीनार उस ये सारे लोगों का सामूहिक तौर पर मनुष्यों का प्रकाशन था, क्या हम एक गुम्मट बनाए, एक शहर बनाए। और ये अपना प्रकाशन ये क्या क्या था, टावर ऑफ बाबिल, बाबिल इंग्लिश में है, द टावर ऑफ बाबिल। बाबिल मीन्स गेट ऑफ गॉड, यानी स्वर्ग का द्वार। ये बाबुल की मीनार जो बाबिल वर्ड है, बाबिल का मतलब है स्वर्ग का द्वार। ये लोग बना क्या रहे थे, यानी दे आर प्रिपेयरिंग अ टावर दैट इज एक्सेस फॉर एक्सेस टू गॉड, परमेश्वर तक पहुंच बना रहे थे, स्वर्ग का द्वार बना रहे थे।
और यहां से सब लोग परमेश्वर तक पहुंच जाएं। When God intervene and confuse the language, then Babel means the place of confusion. लेकिन परमेश्वर ने जब उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली तो यही बाबेल की मीनिंग बदल कर हो गई द प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, यानी एक गड़बड़ी का स्थान जहां सब अपनी अपनी बोलेंगे, अपना अपना प्रकाशन लेके खड़े हो जाएंगे। और आज आप फिजिकल कलीसियाओं को देखिए, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है बाबुल की मीनार, यही कॉन्सेप्ट है। वहां सब अपनी अपनी बोली, अपना अपना प्रकाशन लेकर खड़े हैं। एक आत्मा, एक मन, एक देह नहीं है। मसीह की देह में सबको एक देह और एक आत्मा होना है, और ये चीज आज आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। पीपल मेक देयर एफर्ट टू एक्सेस टू गॉड, यानी बाबुल की मीनार के द्वारा आपको क्या देखने को मिल रहा प्रकाशन में, कि सारे मनुष्य मिलकर एक एफर्ट कर रहे हैं, सब मिलकर कि हम परमेश्वर तक पहुंच बनाए। मेक देयर एफर्ट टू एक्सेस टू गॉड देमसेल्व्स, यानी स्वयं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं खुद से। टू मेक देयर नेम ग्रेट, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा करके हम अपना नाम करें। आज कलीसियाओं का जो कॉन्सेप्ट है, लोग कलीसियाएं क्यों कलीसियाओं को चला रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं, ताकि अपना नाम करें। नेम, फेम, मनी, ये तीन चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। दिस प्रोजेक्ट, यानी ये प्रोजेक्ट जो कर इन्होंने शुरू किया था नेम फेम मनी के लिए किया था, और परमेश्वर तक पहुंच अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से पहुंच बनाने के लिए किया था, ताकि वो अपना नाम करे और अपने नाम को महान करे बाय दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के द्वारा। बट गॉड इंटरवीन एंड दिस इज नाउ नेवर कंप्लीट प्रोजेक्ट, परमेश्वर ने जब इसमें दखल किया, आज ये प्रोजेक्ट नेवर कंप्लीट, यानी जो कभी पूरा नहीं हो सकता वो वाला प्रोजेक्ट बन गया है। आज आप इंसानों की जो कलीसियाओं को देख रहे हैं, फिजिकल कलीसियाएं, ये नेवर कंप्लीट प्रोजेक्ट है। परमेश्वर इंटरवीन करता है, और चूंकि वहां पर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं है, ये काम कभी भी सफल नहीं होगा। अब इसके कंपेरिजन में आते हैं, रेवलेशन ऑफ गॉड, याकूब को जो स्वप्न था वो क्या था, रेवलेशन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का प्रकाशन था। और इस प्रकाशन में, इन दिस विजन, आप इसमें देखिए, मेन थिंग इज लैडर, सीढ़ी, यहां पे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, देखिए सीढ़ी स्वर्ग तक लगी है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन परमेश्वर उसको ये दिखा रहा था, देखिए सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब क्या हुआ, परमेश्वर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, बाय प्रोग्रेशन, पार्ट पार्ट करके आपके जीवन में प्रकाशन काम करेगा, जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में देखिए पार्ट पार्ट प्रकाशन काम कर रहा है, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। और यहां पर देखिए कि किस प्रकार प्रकाशन में ये चीजें, परमेश्वर के प्रकाशन में ये परिवार पड़ रहा है। एंड दैट इज वाई दिस ड्रीम इज गिवन अ टॉपिक इज जेकब्स लैडर, इस स्वप्न को या इस दर्शन को एक टॉपिक नाम दिया गया है। इसका टॉपिक मालूम क्या है, इसका टॉपिक है याकूब की सीढ़ी, जेकब्स लैडर नाम से ये फेमस है, और ये जेकब्स लैडर है। और दूसरी बात कि यहां पर उस सीढ़ी पर कौन उतर रहे, आ रहे, जा रहे, स्वर्ग दूतों को उसने देखा कि वो उतर रहे और चढ़ रहे, यही तो देखा था, एंजल्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑन द लैडर। लैडर मीन्स मैन कैन एक्सेस टू गॉड बाय प्रोग्रेशन स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर एक व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच सकता है बाय प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी का मतलब स्टेप्स है ना, स्टेप बाय स्टेप। ये परमेश्वर ने उसको दिखाया और उससे वहां पर प्रॉमिस किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। आप कुछ बनाकर परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ये परमेश्वर पूरी दुनिया को
समझाना चाहता बाइबल में, इसीलिए मत्ती 11 अध्याय उत्पत्ति 11 अध्याय इस प्रमाण में है कि मनुष्य परमेश्वर तक अपने अपने तरीकों से अपने प्रयास से पहुंच नहीं बना सकता, और अगर ऐसा करने का प्रयास करेगा परमेश्वर उसके इस प्रयास को विफल कर देगा। याकूब भी ऐसे ही कर रहा था, अपने भाई का आशीर्वाद उसने किस तरीके से धोखे से ले लिया। याकूब क्या कर रहा था? बिल्कुल यही काम कर रहा था, साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरीके से परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को ले लो, उस जगह को प्राप्त कर लो और अधिकार को प्राप्त कर लो, यही कर रहा था। ये इसका इस कहानी में है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1:51, पहला अध्याय उसका 51 पद पढ़िए। यहां यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, फिर उसने कहा, ये यीशु मसीह ही बोल सकते हैं क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, Then he said to him, I assure you most solemnly, I tell you all, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. याकूब ने किसको देखा था? वो सीढ़ी कौन? वो सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह है कि इसके द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। द ओनली वे, दिस इज द रेवलेशन ऑफ गॉड, मानो या ना। अब इसी के साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, ये स्वर्ग का द्वार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:9 पद पढ़िए, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10:9, यूहन्ना रचित द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसको भी इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, I am the door to heaven and he will who enters through me will be saved, will live, he will come in and will go out freely and will find pastures, यानी वो आत्मिक भोजन पाएगा और भीतर बाहर यानी स्पिरिचुअल रेल्म में और फिजिकल रेल्म में, दोनों रेल्म में। ये मिनिस्ट्री को दिखाता है, सेवकाई को, एक परिपक्व मसीही दोनों रेल्म में आ जा सकता है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये टू रेल्म्स की बात कर रहा है। इसके बाद एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6-7 पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6-7 पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी देयर इज नो एक्सेस विदाउट जीसस क्राइस्ट, विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, विदाउट द चर्च। जी, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो। आज लोग परमेश्वर परमेश्वर कर रहे, कौन से परमेश्वर को? अज्यूम करके नहीं बोलना है, अज्यूम करके नहीं बोलना है, हमें अनुमानित नहीं बोलना है, काल्पनिक नहीं बोलना है। प्रभु परमेश्वर वो तो एक है ही है, आप उसमें कल्पना में क्यों बोल रहे हैं? वास्तविकता ये कि जब तक वो आपके जीवन को, आपके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा ना करे, तब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानेगा।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसने कहा था तुम जगत की ज्योति, यानी इस ज्योति को जो मैं जगत की ज्योति हूं, और इस ज्योति को तुम्हारे द्वारा प्रकट होना है संसार में। यीशु मसीह की ज्योति, यीशु मसीह वो ज्योति है, स्पिरिचुअल लाइट है, जो अब वो कह रहा था अपने चेलों से कि इसको तुम्हारे द्वारा प्रकट होना है। यानी यीशु मसीह के का प्रकाश अगर चेलों के द्वारा प्रकट ना हो तो चेलों की बातें विश्वास करने लायक नहीं है। इसी प्रकार से वो सेवक जिसके जीवन में ये ज्योति नहीं है, अज्यूम कर रहा है और बोल रहा है, उसके जीवन से वो ज्योति नहीं निकल रही है, तो वो यीशु मसीह ने नया नियम कहता वो झूठा है, वो झूठा गवाह है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो नई सृष्टि वाला काम उसके जीवन में अगर नहीं हुआ, उसका स्वभाव नया नहीं बना है, उसका चरित्र बिल्कुल जैसे पैदा हुए थे आज भी वही स्वभाव वही चरित्र है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है। और ऐसी दशा में हम उसके विषय की गवाही जो हमारे जीवन से प्रकट होनी है नहीं होगी, तो हम क्या हुए, झूठे गवाह हुए के नहीं हुए। उसकी गवाही हमें मुंह से नहीं, उसकी गवाही हमारे जीवन से प्रकट हो, लाइफ, क्योंकि लाइफ ही बदलता है वो। और जब तक बदला हुआ जीवन लोगों के सामने नहीं प्रकट होता, तब तक हम झूठे गवाह होंगे, केवल मुंह से नहीं बोलना है। यही मसीही जीवन की मुख्य, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 14:6-7। जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ। देखिए, आई एम द वे यानी परमेश्वर तक पहुंचने का माध्यम, एक्सेस टू गॉड जीसस क्राइस्ट। उसके बाद आई एम द ट्रुथ यानी वो सत्य के, परमेश्वर सत्य है तो वो सत्य भी मैं ही हूं। और तीसरी चीज वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, आत्मिक जीवन, वो जीवन भी यीशु मसीह ही है। और बिना मसीह की देह का हिस्सा बने वो जीवन, कोई किसी के जीवन से ये लाइफ कभी प्रकट नहीं होगी। ये जोई लाइफ है, आज स्पिरिचुअल लाइफ, ये परमेश्वर के परमेश्वरीय जीवन है, इसमें परमेश्वरीय स्वभाव है, और इसीलिए ये जीवन हमारे खुद के प्रयास से या हमारे खुद के कुछ करने से हमें प्राप्त नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये परमेश्वर के द्वारा हमको ऐसे ही दिया जाता है जब हम कलीसिया में अपने आप को समर्पित करते हैं, और जितना हम समर्पित होते जाते हैं ये जीवन हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है। हालेलुया, ये तरीका है, इसमें प्रोग्रेशन है इस लाइफ में। और उस प्रोग्रेशन से जैसे सूर्य सवेरे उठता है तो लाइट कम होती है, धीरे धीरे उसका प्रकाश भी बढ़ता है और उसकी हीट भी बढ़ती है, ऐसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा स्पिरिचुअल लाइफ धीरे 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 धीरे, देखिए लाइट प्रोग्रेशन से चलती है और शाम को फिर वो डिम होती है। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ का प्रोग्रेशन कैसे देखा जाएगा, ओल्ड टेस्टमेंट में ये दिखाया गया है कि दोपहर का जो सूर्य होता है जो सबसे तेज होता है वहां से लाइट आई, और शाम को जो सूर्य अस्त होता है लाइट गई। ये ओल्ड टेस्टमेंट है, ओल्ड कोवेनेंट की ग्लोरी है, पुराने नियम की महिमा। लेकिन नए नियम की महिमा मालूम क्या है, सूर्य उगता है वहां से और दोपहर तक, ये जो फर्स्ट फेज होता है ये है न्यू कोवेनेंट ग्लोरी। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरंथियों और उसका 13 अध्याय निकालिए, पहला कुरंथियों उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का पद, मैं आपको बता रहा हूं 13 अध्याय का इसका 9 पद से पढ़िए, बल्कि 8 पद से। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है जी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा
तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, अब इन सब बातों में आप प्रोग्रेशन देखिए, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की तरह बोलता था, बालकों की तरह सोचता था, बालकों का सामान का मतलब बालकों की तरह सोचता था इसलिए बालकों की तरह बोलता था। आज भी क्या सारी जिंदगी बालक रहेंगे? लाइफ में कोई प्रोग्रेशन नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। फिजिकल लाइफ में प्रोग्रेशन है कि जब हम बालक रहते हैं बालक की तरह सोचते हैं बालक की तरह बोलते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो ये हमारा सब कुछ हमारा माइंड जो है वो उसमें रिन्यूअल होता रहता है और वो माइंड परिपक्व होता जाता है समय और परिस्थिति के हिसाब से। तो हमारी बोली हमारा व्यवहार भी तो परिपक्व होता है। प्रोग्रेशन देखिए जी, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हुआ तो जब सयाना हुआ। और स्पिरिचुअली आज तक कोई सयाना ही नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल परमेश्वर की बातों को जैसा परमेश्वर हमको दिखा रहा है और जैसा परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे हिसाब से समझो, हम अपनी समझ से उसको ले रहे और फिर हम उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। हमें अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें फिजिकल माइंड नहीं लगाना है, ये खास बात है। अब फिर देखिए 12वां पद पढ़िए, अभी हमें दर्पण में, दर्पण क्या है? परमेश्वर जो ओल्ड कॉवनेंट है यानी ओल्ड टेस्टमेंट है पुराना नियम, उसको आत्मिक दर्पण बोला गया है, स्पिरिचुअल दर्पण है। दर्पण तो पूरी बाइबल है, लेकिन जो पुराना नियम है लॉ है उससे पहले का पीरियड है, ये सब दर्पण है जहां पे हमको धूरा धुंधला सा दिखाई देता है, यानी शैडो दिखाई देती है, हल्की सी एक पिक्चर दिखाई देती है जो क्लियर नहीं, बिना नए नियम के वो क्लियर नहीं हो सकती है जी। परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। अब देखिए ये तो हो गई ये महिमा की, अब महिमा देख लीजिए, पुराने नियम की महिमा नए नियम के। दूसरा कुरंथियों 3 अध्याय, दूसरा कुरंथियों 3 अध्याय और उसका 5 पद से पढ़िए, दूसरा कुरंथियों 3 अध्याय का 5 पद से, बल्कि 4 पद से पढ़ दीजिए ज्यादा। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, स्पिरिचुअली बोला जा रही है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा। अब यहां पे शब्द के सेवक और आत्मा के सेवक बहुत सरल है। शब्द के सेवक का मतलब जो सारा काम मुंह से बोलकर लोगों को बताना लोगों को सिखाना केवल मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को आप कुछ बोल रहे हैं, लोग सारी जिंदगी सुनेंगे और आप बोलते रहेंगे वो सुनते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट कैसे पता चले, हमको कैसे पता चलेगा कि खाली मुंह के प्रचार से कुछ नहीं होगा, मुंह की शिक्षा से कुछ नहीं होगा। नूह को देख लीजिए, नूह ने 120 साल तक प्रैक्टिकली उनको कुछ बनाकर दिखा रहा था और समझा रहा था बता रहा था, और नूह की किसने मान ली? तो मुंह का प्रचार मुंह की शिक्षा फेल है। मसीह में आप, अब आप मसीह में आइए, कलीसिया में, कलीसिया में मुंह की शिक्षा और मुंह का प्रचार इसलिए फेल है अगर सेवक पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता है, पवित्र आत्मा के अनुसार वो प्रोग्रेशन में स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन में आगे नहीं बढ़ता है। तो दर्शन उसके द्वारा उसके लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कभी नहीं मिले। यीशु मसीह का दर्शन, हम दर्शन जो है वो एक प्रोग्रेशन है, और प्रोग्रेशन में जब आप चले यानी पवित्र आत्मा के अनुसार जब आप चलेंगे जीवन व्यतीत करेंगे तो लोगों को दर्शन दिखेगा, आप में मसीह का दर्शन दिखेगा।
ये एक खास बात है। आगे पढ़ दीजिए, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पुराने पुरानी वाचा के जो अक्षर है वो पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो ये देखिए, ये है पुराने नियम की जो पुरानी वाचा की जो महिमा है वो कैसी है मालूम है? जीरो से जीरो, एकदम से व्यक्ति, बहुत लोग उसको ऐसे उठाने लगते हैं, अरे ये क्या बढ़िया क्या बढ़िया क्या बढ़िया। धीरे धीरे देखिए आप, वो ग्लोरी फेड होने लगती है क्योंकि उसकी लाइफ पवित्र आत्मा के अनुसार संचालित नहीं है। पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में कभी नहीं आते। ऐसी सेवकों को आप बढ़ते हीरो से जीरो होते देख सकते हैं। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? कुछ समय के लिए बहुत से आपको हीरो मिलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे जीरो, कितने आए और कितने गए। ये और इसीलिए पवित्र आत्मा किसी को जल्दी से एक्सेप्ट करके उसको कॉपी करने के लिए मना करता है। हर एक का पीछा मत करो, हर एक को फॉलो मत करो, ये सब आपके लिए, क्योंकि आपको जो पहली पुरानी वाचा में ये हो चुका है, आज आपके सामने परमेश्वर पुरानी वाचा की इतिहास को रखकर बात कर रहा है ताकि आप अपने आप को देखें कि हम कहीं फंस तो नहीं रहे। अब आगे पढ़िए, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजो, यानी मालूम यहां पे क्या कह दिया, आप समझ नहीं पाई, शब्दों का खेल हो गया। ये मूसा की महिमा को यीशु मसीह की महिमा को कंपेयर कर रहा है। यीशु मसीह जो जिसके पास जिसके चेहरे से किरणें निकलती थी, उस महिमा की, यीशु मसीह की महिमा क्या है, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ तेजोमय ना था। तो आप पुरानी वाचा के ग्लोरी में मत फंसिए। हम लोग नई वाचा के लोग हैं, तो आप आत्मा की वाचा पर ध्यान कीजिए। ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है, और इसीलिए आगे 12वां पद पढ़ दीजिए, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, वो जो स्थिर रहेगा। न्यू कोवेनेंट में जो महिमा है वो घटेगी नहीं। जब मसीह का प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू होगा वो घटेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, कॉन्स्टेंट लाइट। और लोग देखेंगे, अरे यार ये तो बिल्कुल अलग है। हीरो से जीरो बनने वाला समय अब नहीं है। नई वाचा में, पुरानी वाचा में था, नई वाचा में प्रभु, समय जरूर लगता है प्रभु में प्रज्वलित होने में, लेकिन एक बार हमारे जीवन में वो ज्योति आती है तो वो ज्योति कॉन्स्टेंट रहती है। जी, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? ये बेटा इसका 10 और 11 पद पढ़ो इंग्लिश में। इंडीड, इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट, What once had splendor, the glory of the law, from the face of Moses, has come to have no splendor at all, because of the overwhelming glory that exceeds and excels it. The glory of the gospel. In the face of Jesus Christ, for if that which was
was but passing and fading away, came with splendor. How much more must that which remains and is permanent abide in glory and splendor. उस महिमा में बने रहने के लिए तुम्हें कलीसिया में और प्रभु में और वचन में बने रहना होगा. आज्ञाकारी बने रहो प्रभु के साथ, ताकि वो अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से उस ज्योति के रूप में प्रकट करे कि लोग उस ज्योति को पहचाने. ये 12वां पद पढ़ दीजिए. इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटते हुए तेज के अंत को ना देख सके. यानी पर्दा इसलिए डाला था ताकि वो उस घटते हुए तेज के अंत को ना देखे जी. परंतु वे मतिमंद हो गए. कौन? इजरायली लोग मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा जो मूसा के चेहरे पर था, जो घटती महिमा को ना देख सके, कोई उनके दिलों पे पड़ा हुआ, उन्हें नहीं दिखाई देगा जी. पर वो पर्दा जो दिलों पे पड़ा है वो कैसे उठेगा? पर वो मसीह में उठ जाता है. ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप उठा नहीं सकते, हम नहीं उठा सकते. वो उठ जाता है. आज तक, फिर रिपीट कर रहा, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है. परंतु जब कभी, ये आशा है, नई वाचा आपके और हमारे जीवन में एक आशा लेकर आई है, उम्मीद लेकर आई है. गुड न्यूज किसे कहते हैं? कि कोई न्यूज मिलती है जिसमें हमें उम्मीद की किरण, कह रहे वाह अब कुछ मेरे लिए होगा. ये नया नियम एक ऐसा समाचार है, नई वाचा एक ऐसा समाचार है जो हमारे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है. और इसीलिए यहां पर इसको ऐसे दिखाया जा रहा है, आज तक जी. परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, क्या हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा. यानी जब कोई मसीह में आता है तो हृदय पहले बदला जाता है ना. मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर, ये एक्सचेंज ऑफ हार्ट ये कहां होता है? कलीसिया में. कौन करता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा. और परमेश्वर का वचन वो शार्प इंस्ट्रूमेंट है जिससे इस ऑपरेशन को किया जाता है. डॉक्टर सर्जन के हाथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शार्प इंस्ट्रूमेंट. बिना शरीर को काटे ऑपरेशन कर ही नहीं सकते. पवित्र आत्मा वचन की तलवार से या वचन की नाइफ से कट करके हार्ट को चेंज करता है. ये काम यहां होता है. इसे मसीह में हृदय का खतना भी बोला जाता है. परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए. लास्ट में मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद. पूर्व युग में, ये देखिए अब उत्पत्ति में ले गए, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, यानी अब्राहम इसहाक और याकूब बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की. बस परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा आज? क्या कोई डायरेक्ट एक्सेस है आज परमेश्वर की आवाज सुनने का, परमेश्वर का वचन प्राप्त करने का, परमेश्वर के वचन का प्रकाश प्राप्त करने का, सत्य प्राप्त करने का? डायरेक्ट कोई है?
डायरेक्ट तो शुरू से कोई चीज है ही नहीं। फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ डायरेक्ट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चीज डायरेक्ट नहीं है। जैसे बाप दादों से अब्राहम से पहले बात की, पार्ट पार्ट करके बात करता गया, अब्राहम के बाद इसहाक से बात करी, पार्ट पार्ट बात की, फिर उसके बाद याकूब से बात करी। परमेश्वर हमसे पार्ट पार्ट करके, और परमेश्वर का प्रकाशन कंपेयर कीजिए, परमेश्वर का प्रकाशन जो याकूब को मिला क्योंकि परमेश्वर ने चूजन जनरेशन को दिया, उससे पहले लोग क्या बना रहे थे, बाबुल की मीनार। ये मनुष्यों का कॉन्सेप्ट था परमेश्वर तक पहुंच बनाने का, परमेश्वर ने उसमें गड़बड़ी डाली, उसको ब्रेक किया, वहां से तितर बितर किया, और याकूब को उसने अपना दर्शन दिया कि मैं ये चाहता हूं। और यीशु मसीह वहीं से आ रहा, और देन जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च। कलीसिया मालूम है, जो मसीह की कलीसिया है वो परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार है। ये इसीलिए उसने कहा द्वार मैं हूं, कहां का, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आज आप किसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की पहुंच बना रहे हैं, कौन सा प्रकाशन, कौन सी पहुंच, कैसे, ये दोनों कंपैरेटिव देखेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहती है, अद्भुत कार्य। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो बुद्धि की पुस्तक है, नीति वचन, उसमें एक बात लिखी हुई है, उसको आप हर कॉन्टेक्स्ट में लगा लीजिए अपने जीवन में, हर कॉन्टेक्स्ट में। और ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अपने जीवन में उस कॉन्टेक्स्ट को भूल जाए, इसको कभी मत भूलना। तीन अध्याय नीति वचन तीन अध्याय और उसका पांच पद पढ़िए, नीति वचन तीन अध्याय का पांच पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बस यहां पे आज के युग में बहुत प्रॉब्लम, आप कुछ भी लोगों को बताएंगे उसमें उनकी समझ जरूर मिलेगी, और जब आप परमेश्वर के प्रकाशन में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की योजना में अपनी समझ डाल देंगे, वो पूरा तुरंत मैनिपुलेट हो जाएगा। तो जैसे अब्राहम ने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और अब्राहम की पत्नी ने और अब्राहम ने मिलकर क्या किया, परमेश्वर के प्रकाशन में अपनी समझ मिला दी, इश्माइल पैदा हुआ। अपनी समझ का सहारा, हमारे फोर फादर्स ने भी ये गलती की थी, वरन संपूर्ण मन से उसी पर, यहोवा पर भरोसा रखना, फिर क्या होगा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए वो तुम्हारे मार्ग को सीधा कर देगा, वरना जिंदगी भर घूमते रहोगे, रास्ता नहीं मिलेगा, टेढ़ा रहेगा मार्ग। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी बातों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, जो प्रभु आरंभ से चली आ रही है, और पुत्र के द्वारा वो योजनाएं लागू होती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में पूरी की जाती है, और कलीसिया वो स्थान है जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम करते हैं, ताकि हर एक मसीही विश्वासी परमेश्वर की महिमा के योग्य बने, और कलीसिया के बाहर अपने परिवार में और अपने अपने आसपास के लोगों में मसीह की ज्योति बनकर चमके, ताकि उसकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।